न्यूज और मैं हूँ आप सबकी होस्ट तृप्ति। इस वक्त लेकर आई हूँ आप सबके लिए हमारा ये खास रिपोर्ट, जहाँ हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में। जी हाँ, धर्मेंद्र ने हाल ही में अपना दर्द छलकाया। बुढ़ापे के दर्द को बयां करते हुए धर्मेंद्र ने जो कहा है जरूर आप सुनना चाहेंगे। धर्मेंद्र अपनी हालत बयां करते नजर आए। बुढ़ापे की ये लाचारी आप समझ सकते हैं कितनी दर्द भरी होती है। वैक्सीनेशन के बाद फार्म हाउस में धर्मेंद्र सब्जियां उगा रहे हैं और सब्जियां उगने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन एक जमाने को याद कर जब वो टफ एंड टफ हुआ करते थे, आज फिर भावुक हुए हैं। और शर्मा के शो में भी उन्होंने राज खोला था। उन्हें रफ एंड टफ बॉडी गॉड की तरफ से, गॉड की ग्रेस की तरफ से मिला था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ब्लेस थे वो ये, लेकिन उनकी लाचारी उन्हें कैसे बयां करते हुए देखा गया कि गरीबी का वो दिन कैसे उन्हें मजबूर करता था दिन रात मेहनत करने के लिए, जिसके कारण उनकी जो बॉडी थी इतनी स्ट्रांग हुई थी। ये उनकी चाहत नहीं, मजबूरी थी। आइए खुद जानिए धर्मेंद्र के बारे में ये राज उनकी जिंदगी का इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र एक बार एक दफा सबके सामने, कपिल शर्मा भी मौजूद थे, कई सितारे मौजूद थे, शत्रुघ्न सिन्हा मौजूद थे, वहां उन्होंने एक सवाल का सामना किया। सवाल उनसे किया गया कि आप अपने जमाने में इतने स्ट्रांग, इतने हैंडसम, इतने फिट, इतने ज्यादा हेल्दी, इतने अट्रैक्टिव कैसे थे। धर्मेंद्र को वो बात याद कर बताते हुए इसके पीछे का कारण जो है सो काफी ज्यादा रोना आ गया। धर्मेंद्र ने कहा, फिल्मी दुनिया में आने से पहले उस दौर में काफी तंगहाली थी, गरीबी की जिंदगी गुजरती थी, किसान परिवार का था मैं, मेरे माता पिता किसान परिवार के थे, परिवार में जितने बुजुर्ग थे, बड़े लोग थे, सबके साथ वो छोटी उम्र में ही कबड्डी खेलते थे, काफी मेहनत करते थे वो खेल कूद में। यहाँ तक कि उस वक्त नल का जमाना नहीं था, हमारे घर पर नल नहीं था, इतने पैसे नहीं थे कि वो नल लगा सके, इसलिए घर के लिए कुएं से ही पानी भरना पड़ता था। घर के सदस्य काफी पानी बहाते थे, इसके लिए कुएं में रस्सी बांध कर खींचना पड़ता था उन्हें पानी, और बाल्टी में पानी खींच खींच कर उन्होंने ऐसी बॉडी बनाई, ताकत जोर से शरीर से वो लगाते थे। इतना ज़्यादा अगर उनके में स्टैमिना था उस वक्त एक्शन सीन्स वो करते थे, तो इसके पीछे खेतों में कड़ी मेहनत, बाल्टी से भर भर कर कुएं से घंटों पानी निकालना, इतनी दिन रात मेहनत वो करते थे, 25 मील साइकिल से सवार होकर जाना आना, सामान ढोना, ये सारे काम धर्मेंद्र को अंदर से मजबूत तो बना बैठे थे। काफ़ी दर्द उन्होंने झेला था, ये उनकी मजबूरी थी, मर्जी नहीं, क्योंकि गरीबी कुछ भी करा सकती है। धर्मेंद्र के वो गरीबी के दिन उन्हें याद कर आंसू आ जाते हैं। आज जो बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र, जिनके पास अरबों की संपत्ति है, पत्नी हेमा मालिनी के साथ वो खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हेमा से भी वो दूर है। कोरोना काल की वजह से पिछले 3 साल से पत्नी हेमा के साथ भी वो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनकी सेहत को देखते हुए हेमा ने खुद उनसे दूरी बनाने का फैसला लिया है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको बताया बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में। फिलहाल अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। ऐसी ही फिल्मी दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।